सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आतिफ स्मार्टी व्लॉग्स। सो गाइस, आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो ये देखो, ये देखो आयत भी जा रही है आज, ये तूफान में भी जा रहा है। तो गाइस ये देखो, ईद मुबारक बोला आपने सबको, बोलो। हाँ, अभी कहाँ जा रहे हो? सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, अभी जा रहे हैं हम कब्रिस्तान। मैं, आयत, आतिफ और पापा, हम सब जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो प्लीज़ दुआ करें हम भी वहाँ पे कब्रिस्तान, जितने भी वफात हो गए हैं जो यहाँ से चले गए हैं उनके लिए दुआ करने जा रहे हैं गाइस। तो वहाँ पर मिलते हैं। हाँ, वो जा रही है आयत। तो गाइस ये देखिए, अभी कब्रिस्तान जा रहे हैं। ये पापा मेरे, तो वो आगे आयत जा रही है हमारी। तो बाद में मिलते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको फिर से ईद मुबारक। तो अभी बस थोड़ी देर में कब्रिस्तान फिर हम जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जाओगे मैं पास के लिए। वो देखो, ये एकदम अफलातून है हमारे घर का, बहुत ही छोटा अफलातून है। आयत देखो, कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। देखो अभी बस अभी 2-3 मिनट, आज हम ना पैदल ही जा रहे हैं एक्चुअली सारे, क्योंकि पैदल जाना ठीक रहता है कब्रिस्तान में, स्कूटी लेके क्या फ़ायदा है, इतनी पास ही है बिल्कुल, इसलिए वहाँ पे अभी जाके दुआ करेंगे। और ये देखो हमारी हायत, पापा के साथ जा रहे हैं। ये देखो आयत क्या खा रही है, चिंगम। अच्छा चलो चलो शाबाश, मैंने सुबह को कुछ भी नहीं खाया, अब चल रहा है, मेरे को इतनी भूख लग रही है। तो ये देखो आतिफ, बहुत भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खाया। फिलहाल अभी पहुंचने वाले हैं कब्रिस्तान, फिर अभी मिलते हैं आपको कब्रिस्तान के पास ही। ये देखो आयत ये जा रही है, ये देखना हम म्यूजिक देंगे, अच्छा हो रहा है। ये देखो ये देखो आए थे, सही बात है। दुआएं अभी थोड़ी देर के बाद में, तो दुआ करते हैं फिर इसके बाद। तो गाइस मैं और आतिफ चल रहे हैं अभी, ये देखो आयत। आयु आज कहाँ रखा रोजा आपने? आज नहीं रखा, दिल में। गाइस ने पूरे रोजे रखे पर दिल में। हाँ तो फ्रेंड्स ये दिल में रोजे रखती है, तीन। चलो गाइस मिलते हैं, कब्रिस्तान में पहुंच गए हम। तो फ्रेंड्स अभी कब्रिस्तान के अंदर हैं हम, ये देखते हैं। माशाल्लाह बहुत लोग आए हैं, सो दुआ मांग रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए दुनिया से, अल्लाह पाक उन सबको जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक उन सबको जन्नत नसीब फरमाए। ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो फ्रेंड्स हम अभी दादी दादा के कब्र पे जा रहे हैं, और अपने मेरा छोटा बेटा मोहम्मद आकिफ, उनके लिए भी दुआ करें, उनको भी अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अभी, अभी जा रहे हैं गाइस, अभी चाय डालो।
आइए तो चावल डालो, इधर डालो। ये मेरी थैंक यू, ये मेरी दादी की कब्र है, वो मेरे दादू की कब्र है, और पापा वो कर रहे हैं अभी सफाई कर रहे हैं वहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये हमारे छोटे बेटे मोहम्मद आकिफ की कब्र है। फ्रेंड्स प्लीज़ दुआ करें सारे। तो गाइस अभी हमारी दादी जी की कब्र है माशाल्लाह। कल तो आया था फिलहाल, मैं कल मैंने थोड़ा बहुत काम कर गया था यहाँ पे। ये देख सकते हैं नहीं वो अगली है, ये पता नहीं कुछ। फ्रेंड्स ये देखिए मोहम्मद आकिफ मेरे बेटे की कब्र, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए। ये मेरी दादी जी, ये देखिए तो मिलते हैं दुआ के बाद में। फ्रेंड्स ये देखिए आयत, ये देखो फ्रेंड्स ये देखिए आप मैंने चलिए, ये देखो ये देखो गाइस बहुत बहुत बढ़िया मिक्सचर है यहाँ पे। वो आए अभी तो मिक्सचर लिया, अभी और कुछ नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा सामान देखते हैं। ये देखिए गाइस ये वीडियो थी, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाई थी। तो आगे जो वीडियो होगी वो नमाज की और बाकी जो भी होगा उसकी होगी। ये सिर्फ वीडियो अभी नमाज तक की थी, नमाज सॉरी। तो गाइस अभी जो हमने वीडियो अपलोड करनी है ना, वो जस्ट अभी सिर्फ हम जो पाकिस्तान से होके आए हैं वो ही बनाए, ठीक है, मॉर्निंग टाइम की। बट वो जो ईद की नमाज की हम वीडियो है वो नेक्स्ट अपलोड करेंगे, ठीक है, शाम तक शायद कर दें अपलोड। जो अभी वाली है वो अभी अभी कर लेंगे घर जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आज ईद मुबारक और हम सब की तरफ से ईद मुबारक है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।